वेलकम गाइज, MPM के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, फाइनली PNST की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि 1 सितंबर से PNST की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइज, कल वीडियो इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि यहाँ पर ये जो अपडेट थी साइड बिजी होने के कारण ये ओपन नहीं हो पा रहे थे चारों ऑप्शन, ठीक है। तो ये अभी ओपन हो चुके हैं और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। सो यहाँ पर रूल भी आ चुका है कि इस काउंसलिंग का क्या रूल रहने वाला है, क्या क्या यहाँ पर सीटें वैकांट है, ठीक है। सब कुछ आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और यहाँ पर कितनी सीटें हैं, तो देख लेते हैं गाइज वन बाय वन करके। सो गाइज, जैसा कि अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे MP ऑनलाइन द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए क्या क्या नियम यहाँ पर दे रखे हैं। सो गाइज, जो सहरिया होते हैं, बेगा होते हैं, भरिया जाति से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पर 12वीं की मेरिट के बेसिस पर वहाँ पर उनका सिलेक्शन होने जा रहा है। उनको एंट्रेंस एग्जाम की मेरिट की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, OBC वाले, जो जनरल वाले, जो SST वाले हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की ज़रूरत होगी, यानी कि उनके मेरिट के बेसिस की, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन की हुई है, इनको आप रीड कर लेना, हम टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाके भी इनको रीड कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया हुआ है गाइस, ठीक है। अगर फीस की बात करें यहाँ पर आपका कितना पेमेंट लगने वाला है, तो गाइस देख लेते हैं, आपका पेमेंट ओनली 300 यहाँ पर लगने वाला है। कितना? 300 रुपीज़ आपका यहाँ पर लगने वाला है। कितनी सीट है वो भी हम इस वीडियो में जान लेंगे गाइस। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेना। और ये आपकी काउंसलिंग 1 सितंबर से 7 सितंबर तक की चलने वाली है, बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा हुआ है गाइस, ठीक है। तो देख लेते इसका पूरा बायोडाटा गाइस, बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करनी है, ठीक है। और आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है वो भी हम आपको बताएंगे। और कट ऑफ आपकी बहुत कम जाने वाली है, क्योंकि जो पहले ऑटोनोमस कॉलेज थी उसमें जिनके अधिकतम नंबर थे, जैसे कि 80%, 90%, जिनके इतने नंबर आए थे उन्होंने एडमिशन ले लिया है। तो ऐसे में अब ये जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए स्टार्ट है तो इनमें कट ऑफ कमी जाने वाली है। सो गाइज, ये पूरा का पूरा रूल बुक यहाँ पर जारी हो चुका है PNST का, देख लिए PNST रूल बुक। और ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। सो गाइज, आप लोगों के लिए PNST ने यहाँ पर कितनी सीटें है इसका भी चार्ट जारी कर दिया है। देख लो गाइज, सीटें देख लो पहले। देखिए, आपका जो जबलपुर में 60 सीट अवेलेबल है, आपके उज्जैन में 60 सीट अवेलेबल है, आपके देवास में 60, सतना में भी 60, रायसेन, दतिया, विदिशा, झाबुआ, इन सभी में 60 अवेलेबल है, मंदसौर में भी और अनूपपुर में 30 अवेलेबल है, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, अनरिजर्व वालों के लिए 27%, EWS वालों के लिए 10%, और यहाँ पर जो बाकी की अदर कैटेगरी है उनके लिए भी इस प्रकार मेंशन किया हुआ है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सभी के लिए यहाँ पर इन्होंने चार्ट पैटर्न आप देख लो, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। काफ़ी अच्छी सीटें अवेलेबल है गाइज। सो गाइज, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके ऑलमोस्ट 550 के भी अबाव सीटें अवेलेबल है, तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। हम कहते हैं आपका सिलेक्शन अवश्य होगा, और कितने नंबरों पे होगा उसके लिए सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, बेल आइकन पर आपने प्रेस कर ही रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीटें बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ कम जाने वाला है। और भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने जारी किए वो हम आपको दिखा देते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आपको दिख गया होगा कि काफ़ी सारे जो रूल बुक हमने देखे भी, ठीक है, सीटें हमने यहाँ पर देख ली। अब यहाँ पर रोल नंबर फॉर बेगा सहरिया कैंडिडेट PNST काउंसलिंग, ठीक है, इनका भी देख लेते हैं कि ये अपडेट क्या है, क्योंकि हमारा फर्ज है पूरे अपडेट आपको देना। सो गाइज, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, रोल नंबर बेगा सहरिया बरिया कैंडिडेट PNST काउंसलिंग, तो इनका तो रोल नंबर और रैंक यहाँ पर दे रखा है टॉप 8 तक, जिनका टॉप 8 में नंबर है, फादर्स नेम मदर्स नेम भी यहाँ पर दे रखा है बेगा सहरिया का। इनका क्या होता है, इनका सिलेक्शन सबसे पहले होता है और इनका 12th की मेरिट के बेस पर ही हो जाता है इन कैटेगरीज वालों का, ठीक है। और जो बाकी की कैटेगरीज है, जनरल, OBC, ठीक है, SC ST, इनको तो क्या है, जो PNST की मेरिट है उसके बेसिस पे ये काउंसलिंग करवानी होगी, ठीक है, जो अभी स्टार्ट हो चुकी है।
सो गाइज यहाँ पर हमने ये इस अपडेट को भी चेकआउट कर लिया। अब इसका शेड्यूल देख लेते हैं काउंसलिंग का गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने जा रहा है। ठीक है ओके, ये डाउनलोड हो चुका है और ये आपके दिल और दिमाग में इसे बैठा लो। जी हाँ बिल्कुल, दिल और दिमाग दोनों में इसको बैठा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 1 सितंबर से। बट 1 सितंबर को क्या है, साइड बिजी होने के कारण काफ़ी सारे स्टूडेंट को परेशानी आ रही थी, वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही थी, हमसे भी नहीं हुई थी गाइस। ठीक है क्योंकि कल साइट बिजी थी, बट आज पूरा काम आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी क्योंकि आज साइट पूरी तरह से ओपन है गाइस। ठीक है लास्ट डेट फॉर चॉइस फिलिंग यानी कि कब तक टाइम है आपके पास, 7 सितंबर तक आपके पास मात्र टाइम बचा हुआ है, 7 सितंबर आपके लास्ट डेट है, इसके बाद काउंसलिंग बंद हो जाएगी। ठीक है तो गाइस अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ताकि उनको भी पता लगे, क्योंकि बहुत सारों को पता नहीं है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट तो भूल गए कि होगी भी नहीं होगी, तो उनको वीडियो जरूर शेयर कर देना, दोस्ती निभाने का फर्ज है। ठीक है ताकि उनका कैरियर अच्छा बना रहे, उनको भी पता लग जाए। अब यहाँ पर आपको रिजल्ट कब आएगा काउंसलिंग का, 17 सितंबर को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, यानी कि आपको कौन सी कॉलेज मिलने वाली है, फ्यूचर में आप 4 साल कहाँ पर स्टडी करने वाले हो, ये 17 सितंबर को पता लग जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपकी काउंसलिंग का 17 सितंबर को। इसके बाद रिपोर्टिंग का टाइम दे रखा है 18 से 25 को आपको जो कॉलेज मिला, ठीक है वो तो आपको 17 को पता लग ही जाएगा, उसके बाद जो कॉलेज मिला वहाँ पर आपको एडमिशन यानी कि ज्वाइनिंग देने जाना है 18 से 25 के बीच बीच में कभी भी आप जा सकते हो, बट 25 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है गाइज। सो गाइज ये भी अपडेट हमने देख ली। सो यहाँ पर हमने अन्य जानकारियों में सारी कुछ यहाँ पर अपडेट आ चुकी है, आप भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। काउंसलिंग की गतिविधियों में आ जाइए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग स्टार्ट है तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर 1 सितंबर और 7 सितंबर दे रखी है, लाइक नहीं किया तो वीडियो को पहले लाइक कर देना गाइज। ठीक है ओके तो गाइज आपको क्या करना है, अपने रोल नंबर यहाँ पर एंटर करने हैं, रोल नंबर यहाँ पर एंटर करने हैं, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है। ठीक है और ये कैप्चर में फिलअप कर लेना है, यहाँ पर आपका विवरण ओपन हो जाएगा। विवरण ओपन होते ही उसके बाद आपको जो अगला प्रोसेस है वहाँ पर लिखा होगा आपके मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर एंटर करने होंगे, उसके बाद आपको कॉलेज फिल करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आपको कॉलेज फिल करनी होगी। ठीक है तो आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग कॉलेज फिल कर सकते हो वहाँ पर, यही प्रोसेस है, या फिर आप किसी साइबर का भी हेल्प ले सकते हो, ई मित्र की भी सहायता ले सकते हो अगर आप खुद से नहीं भरना चाहते हो तो। इस प्रकार आप काउंसलिंग करवा सकते हो किसी से भी, जहां पर आपने फॉर्म भरवाया था वहां जाके भी आप काउंसलिंग करवा सकते हो गाइस। ठीक है क्योंकि अगर आपसे गलती होने का डर रहता है तो आपने जहां फॉर्म भरवाया वहां पर जाके आप काउंसलिंग करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग होगी गाइस। ठीक है तो यहां पर और भी गतिविधियां देख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन पे देख लेते हैं, प्रिंट पे देख लेते हैं गाइस। ठीक है तो यहाँ पर आपके प्रवेश का अनुक्रम, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल के आप अपनी जो फीस की रसीद है उसको भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हो गाइस, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। ये काउंसलिंग एकदम 100% स्टार्ट हो चुके, 100% वर्क कर रही है गाइस, तो देर किस बात की, काउंसलिंग करवा लीजिए और पा लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज, देर किस बात की गाइस। ठीक है और वीडियो नेक्स्ट हम बना देंगे कि जिनका जो कॉलेज है ना आपके लिए, अभी कॉलेज हम आपको दिखा देते हैं। सो गाइज ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर हमको ये वाली कॉलेज कितने नंबरों पे मिलेगी, जबलपुर वाली, उज्जैन वाली कितने नंबरों पर मिलेगी। गाइज वीडियो बनाएंगे हम, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पर प्रेस करके रखो, कॉलेज ज़रूर मिलेगा, बट आपको कट ऑफ बहुत ही लो रहने वाले, कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो हम बना देंगे क्योंकि अगर यहाँ पर बात करेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है बाकी कॉलेजेस सभी अच्छी है, और हमने बोला था, पहले बोल दिया था कि आपके फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में स्टार्ट हो जाएगी गाइज, सबको पता होगा, हमने पहले बोल दिया था कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये हो चुकी है गाइज। ठीक है और बाकी सारा क्राइटेरिया यहाँ हमने आपको बता दिया, यहाँ पर जितनी भी अपडेट आई थी सबको वन बाय वन करके हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो गाइज, कमेंट बॉक्स दिया रखा है, या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हो, आपने फॉलो कर रखा होगा फेसबुक इंस्टाग्राम पे। ठीक है तो वहाँ पर भी आप डिस्कस कर सकते हो गाइस, और बहुत ही जल्द करवा लीजिए काउंसलिंग को क्योंकि टाइम मात्र आपके पास 1 वीक का टाइम आपको दिया है, इनको एडमिशन बहुत जल्द लेना है इसलिए। सो गाइस आखिरकार हम यही कहना चाहेंगे कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, अभी तो नहीं, काउंसलिंग में तो आपको बेसिकली आपके रोल नंबर से काम हो जाएगा, बट जब आपका
वहाँ जाओगे ना आप ज्वाइनिंग के लिए, तब आपको टीसी की रिक्वायरमेंट, 12वीं की मार्कशीट, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका मूल निवास, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी जब आप ज्वाइनिंग में जाओगे, तो उनको पहले ही निकलवा लेना। आपकी 12वीं मार्कशीट अगर आपने कहीं पर दे रखी है तो पहले ही निकलवा लेना गाइज, मैं बोल रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी। काउंसलिंग में नहीं पड़ेगी बट ज्वाइनिंग में पड़ेगी, ठीक है। तो आप अभी तो रोल नंबर से काउंसलिंग करवा लीजिए गाइज, और कोई भी डाउट हो तो सीधा कमेंट करो गाइज, कमेंट करो, रिप्लाई हम देंगे।